नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु हाजिर हूँ आपके साथ एक प्यारे से और नए से वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल SS होम्स में। दोस्तों, हर बार हम आपके लिए अलग अलग आपके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज लाते रहते हैं, लो बजट, हाई बजट, मीडियम बजट, उसी के अकॉर्डिंग हम एक प्यारी सी आपके लिए प्रॉपर्टी लाए हैं। डायमेंशन की अपन बात करेंगे तो 111 गज में आपका विला है 20x50 के डायमेंशन के साथ में। लोकेशन की मैं बात करूँ तो कालवाड़ रोड पर ये लोकेटेड है, किशोरपुरा रोड के नियर बाई है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो स्कूल, कॉलेज, मैरिज गार्डन, ट्रांसपोर्टेशन सब नियर बाई रहने वाला है। अब अपन करते हैं अपने प्यारे से सिंप्लेक्स विला का टूर। उससे पहले मैं बता दूं आपको, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाले हमारे हर एक नए नए वीडियो आप लोगों के सामने आए। तो आइए करते हैं अपने विला के टूर। इससे पहले एक बार आप फ्रंट एलिवेशन देख लीजिए। फ्रंट एलिवेशन देखने के बाद में अपन करते हैं अपने विला का टूर। तो सबसे पहले मैं करता हूँ बर्म एरिया की बात। बर्म एरिया काफ़ी अच्छी हाइट में आपके साथ यहाँ दिया गया है। साथ में अपन यहाँ देखते हैं बाहर में, बाहर देखिए आप, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको साइड में दिया गया है जो अपने विला के अकॉर्डिंग है। अपना विला 111 गज के होने के कारण बाहर एक बहुत ही अच्छी सी स्पेस आपको यहाँ मिलने वाला है। साथ में बात करें अपन आयरन के डोर्स की, काफ़ी हैवी डोर्स आपको यहाँ दिया गया है। अब आते हैं अपन पार्किंग में। पार्किंग में देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस, आराम से अपनी फोर व्हीलर यहाँ स्टैंड हो सकती है, आपकी फोर व्हीलर स्टैंड हो सकती है। यहाँ वाटर टैंक का प्रोविज़न दिया गया है, मोटर के लिए एक्स्ट्रा प्रोविज़न दिया गया है, साथ में एक प्रोविज़न आपके यहाँ मीटर बॉक्स के लिए दिया गया है ताकि सेपरेट मीटर बॉक्स यहाँ लग सके। और एंट्रेंस की मैं यहाँ बात करूँ तो डुअल एंट्रेंस आपके इसमें दिया गया है, एक बाहर से गेस्ट रूम की तरफ से एंट्रेंस दिया गया है, एक अपना मेन गेट से अपना एंट्रेंस दिया गया है। जैसे ही हम अपने विला में एंट्री करते हैं तो बाहर से ही आपको स्टेयर्स दी गई है। SS की रेलिंग्स के साथ में आपको यहाँ स्टेयर्स दी गई है जो कि अपने टेरेस पे अपन को लेके जाती है। आइए करते हैं अपने विला के टूर। जैसे अपन विला के अंदर आएंगे तो यहाँ डुअल अपन को डोर्स के साथ दिया गया है जो कि इसके लुकिंग को, अपने विला के लुकिंग को और भी काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। साथ में अपना विला है ये ईस्ट फेसिंग होने वाला है, ईस्ट फेसिंग अपना विला होने वाला है। और अब बात करते हैं अपन इससे ड्राइंग एरिया की, तो अपना डाइनिंग एरिया देख लीजिए, हॉल देख लीजिए, काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ यहाँ दिया गया है। 111 गज का जो अपना विला है सिंप्लेक्स विला, इसमें अपने 3 रूम दिए हैं, किचन दिया है, लेट बाथ दिया है, इसी के साथ काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ अपन को यहाँ दिया गया है। बात करते हैं वॉल की, तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन और लुकिंग के साथ में आपको यहाँ वॉल दी गई है। साथ में ही आप देख लीजिए फोर सीलिंग का वर्क भी आपको वॉल से मिलता जुलता दिया गया है, काफ़ी अच्छी लाइट टिंग के साथ में आपको यहां दिया गया है, कोप लाइट्स वगैरह यहां आपको लगा के दी गई है। अब विला का टूर के साथ ही अपन देखते हैं अपना किचन। सबसे पहले मैं किचन का आपको टूर करवाता हूं। किचन का टूर करने के लिए देखिए यहां एक्स्ट्रा स्पेस आपको फ्रंट में ही एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है जिसमें आपको फ्रिज के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। साथ में ग्रेनाइट का टॉप दिया गया है और आपके यहाँ वुडन बॉक्स आपको यहाँ लगा के दिए गए हैं। साथ में आप बॉक्स देख लीजिए, ये आपको यहाँ लगा के दिया गया है जो कि एक किचन के अकॉर्डिंग हर चीज़ यहाँ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। अब यहीं आपको हॉल में एक वॉश बेसिन एरिया दिया गया है, मिरर के वर्क के साथ में दिया गया है। अब अपन टूर करते हैं अपने कॉमन वाशरूम का। कॉमन वाशरूम आपको यहाँ दिया गया है जो भी काफ़ी अच्छी हाइट्स में आपको यहाँ टाइल्स का वर्क दिया गया है, साथ में इंडियन सीट के साथ में आपको दिया गया, अंदर भी आपको सिंक एरिया दिया गया है। अब फ्रेंड्स अपन टूर करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम का। फर्स्ट बेडरूम की भी साइज़ काफ़ी अच्छी साइज़ दी गई है, साथ में ही बेडरूम में अपने को यहाँ अलमीरा लगा के दिया गया है, एक वार्डरोब यहाँ आपको दी गई है। और बात करूं मैं वॉल की, तो वॉल की साइज़ अपने फोर सीलिंग की साइज़ से मिलती हुई काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव कलर के साथ आपको दी गई है, एक बार ये देख लीजिए आप। साथ में आपको यहाँ बैकयार्ड एरिया दिया गया है ताकि कोई भी सफोकेशन की कोई भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं होती है, एयर्स वगैरह आपको यहाँ प्रॉपर आती रहेगी। फ्रेंड्स फर्स्ट बेडरूम का टूर करने के बाद में अपन टूर करते हैं अपने सेकेंड बेडरूम का। तो सेकेंड बेडरूम भी आपकी सेम साइज़ में आपको होने वाला है और काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ भी आपका सेकेंड बेडरूम आपको दिया गया है। और साथ में एयर के लिए, वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो दी गई है, तो कूलर वगैरह आप यहाँ गर्मियों में अपना इंस्टॉल कर सकते हैं। बात करूँ मैं वॉल की, तो वॉल का वर्क भी आपको काफ़ी अच्छी डिज़ाइन के साथ में फोर सीलिंग से मिलता हुआ वर्क दिया गया है। कोप लाइट्स का वर्क आपको यहाँ दिया गया है, साथ में आपको यहाँ पे वार्डरोब इंस्टॉल करके दी जाएगी। फ्रेंड्स अपने टूर किया अपने फर्स्ट और सेकेंड बेडरूम का। अब अपन टूर करते हैं अपने थर्ड बेडरूम का। तो थर्ड बेडरूम का टूर करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपको यहाँ लिविंग एरिया में यहाँ पे LED पैनल लगा के दिया गया है।
अब टूर करते हैं अपने फाइनल और थर्ड बेडरूम का। इसको अपन गेस्ट बेडरूम भी बोल सकते हैं गेस्ट के पर्पज से, क्योंकि इसका डोर्स अपने बाहर से दिया गया है, साथ में यहाँ विंडोज़ वगैरह यहाँ बाहर से दी गई है, पर्दे आपको यहाँ लगा के दी गई है। बात करते हैं अपन की वॉल की, वॉल का वर्क काफ़ी अट्रैक्टिव कलर में अपनी फोर सीलिंग के साथ मिलता जुलता दिया गया है, कॉप लाइट्स यहाँ लगा के दी गई है। तो फ्रेंड्स अपन ने कर लिया अपने इस प्यारे से सिंप्लेक्स विला का टूर। प्राइस की बात करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब बात करते हैं अपने विला के प्राइस की, तो मात्र 37 लाख रुपए में आपका विला होने वाला है। नंबर हमारे साइड स्क्रीन पे आपको मिलिंग कर रहे हैं, इस विला का टूर कीजिए आप, आइए हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए से और प्यारे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।